की प्योर रिएक्शन। उम्मीद करती हूँ आप लोग फाइन से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं पुष्पा 2 के ऑफिशियल ट्रेलर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे मुश्किल काम मीडिया का है। ऐसे हालात में भी पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। स्कूल से लथपथ शॉट पर मिले 8 गोलियों के निशान। ये क्या कर रहा है तू? गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। सब बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था। पर तुम्हारा माहिती है का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? ठीक है, शादी पुष्पा ने ही करवाई। पुष्पा ने ही हमारे लिए सब गरीबों की मदद की है। ब्रेकिंग न्यूज, जंगलों में लगाए गए वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है। ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। पुष्पा, ओह माय गॉड, गेट रेडी। जिन पर भरोसा करते हैं उनसे धोखा खाना क्या होता है मुझे पता है। ऐसे ही जिन पर भरोसा करो वही धोखा देते हैं। उसे छोड़ के गलती कर दिया। मार देना चाहिए था। काट देने का था उसे। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो जब इधर था तब तेरी फट गई थी क्या? अरे उसकी अकड़ कम नहीं हुई। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? मैं इधर टांग अड़ाने को नहीं आया। राज करने के लिए आया। राज करने के लिए आया मैं। यार अमेजिंग, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। इतनी गर्ल्स उस बोल गए, खुद ही अपनी गोद में निकाल रहा और ये नहीं देखा जा रहा कि वो पैसे देते तो वो लगाता क्या है? सारे गरीबों पे उसने लगाए हैं, तो मतलब इसीलिए तो पूरी अवाम उसे सपोर्ट कर रही है, उसके लिए स्टैंड ले रही है। ऐसे ही होता है कि आप लोग करेंगे तो लोग आपको सोचते रहेंगे, और जैसे उसने बताया कि आप जिसके साथ अच्छा करोगे ना वो आपको धोखा लाजमी देगा। ये तो मतलब है सत्य बात है। अच्छा करोगे ना मेरे साथ भी अच्छा करोगे जिससे उसमें धोखा तो लाजमी ही देना होता है। बाकी मूवी की बात की जाए, साउंड की बात की जाए, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक था ना साउंड अमेजिंग था यार। जैसे जब फाइट होती है वो उसको जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसका तेज हो जाना और फिर आस्था हो जाना, मतलब बहुत मजे का था, बहुत मजे का। कलर्स की बात की जाए, उनके गैजेट की बात की जाए, लोकेशन की बात की जाए, कैसे जंगल शेर और आवाम की बात की जाए, कैसे भागम थोड़ी आग, और मतलब इतने अच्छे शॉट्स लिए गए हैं कि भाई अमेजिंग, बहुत मजे की, परफेक्ट। बहुत मजा आया मुझे तो देखकर, बहुत मजा आया है। आप लोग बताएं आप लोगों को कैसी लगी है, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। राज करने आया, राज डायलॉग्स जो है वही मैं बस सुनती रहूंगी और उसी को रिपीट करती रहूंगी, और पुष्पा पुष्पा
बाकी आप तो अपनी कमेंट्स में बनाते रहे, बताते रहे, मैं रिएक्शन बनाती रहूंगी। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और बाकी मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।